दिल्ली नोएडा मेट्रो से पीएम मोदी सफर करने वाले हैं, और उससे पहले कि ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी नोएडा के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली से मेट्रो में सफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन होना है नोएडा सेक्टर 81 में, और ये तस्वीरें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो का सफर करते हुए नोएडा के लिए रवाना हो चुके हैं, और अब से कुछ ही देर के बाद वो नोएडा पहुंचेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, दिल्ली टू नोएडा प्रधानमंत्री मोदी का मेट्रो सफर। तो जैसा कि आपको लगातार जी न्यूज पर हम खबर दे रहे हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री मोदी, उसके लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें मेट्रो की, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए चल पड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी, और साथ हैं उनके दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन। यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो से सफर किया हो। अक्सर हम उन्हें मेट्रो सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए देख चुके हैं दिल्ली में, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि वक्त बचाने के लिए और सड़क पर लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसका ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यहां फिर से मेट्रो को चुना है नोएडा पहुंचने के लिए। और ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि कब कब प्रधानमंत्री मोदी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को लेकर मेट्रो का सफर कर चुके हैं, एक स्ट्रांग मैसेज देते हुए, और साथ ही साथ हिंदुस्तान के बढ़ते विकास की कहानी जो मेट्रो कहती है वो भी इन तस्वीरों के जरिए और इसकी सर्विसेज का इस्तेमाल करके उन राष्ट्राध्यक्षों को ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान किस तरीके से लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेट्रो सफर। और जी मीडिया संवाददाता रविंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, मेट्रो से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा के लिए निकल चुके हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को लेकर, वही चिर परिचित अंदाज और कोशिश, वही एक मैसेज देने की कि पीएम भी मेट्रो से ट्रैवल करता है। देखिए, आरसीआर बस मेट्रो पर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट, और इसके बाद जाहिर तौर पर जैसा कि आपने भी कहा कि मेट्रो दिल्ली की एक लाइफ लाइन है, ये भी दिखाने के लिए है। और कोरियन जो प्रेसिडेंट है, चूंकि कोरिया काफी डेवलप है और मेट्रो में भी उसका काफी योगदान रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को परेशानी भी नहीं हो और सुगमता से वहां पहुंच भी जाए, ये दर्शाने के लिए। और बार बार आप देखे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की परेशानी से बचाने के लिए इस तरह से मेट्रो में जाते रहते हैं फॉरेन डिग्निटी के साथ। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ अक्षरधाम गए थे, उसी तरह से जब बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यक्रम था तो द्वारका गए थे मेट्रो से, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी न हो इसका ध्यान रखते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और जिस तरीके से रविंद्र, नोएडा में ये सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन होना है, वो भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के विकास की कहानी कहता है। जाहिर तौर पर मेक इन इंडिया के जो कंसेप्ट रहा है, उसमें फॉरेन जो कंपनियां हैं वो भारत में इन्वेस्ट करे, भारत में प्रोडक्ट करे और भारत के लोगों को रोजगार दे, ये बेसिक एक थ्योरी रही है मेक इन इंडिया का भी हो या फिर जो डेवलपमेंट का पीएम नरेंद्र मोदी का, उसको कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाया गया है। सैमसंग फैक्ट्री का जो यहाँ पर मोबाइल फैक्ट्री का आज लोकार्पण करने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साउथ कोरियन राष्ट्रपति, तो ये दर्शाता है कि आप फॉरेन कंपनियों भारत में इन्वेस्ट करिए, भारत में रोजगार दीजिए और उसका जितना भी ज्यादा फायदा हो सके डेवलपमेंट में भारत को हो, यही कंसेप्ट है। और उसका साकार रूप आप देखेंगे शाम को जब पीएम और कोरियन राष्ट्रपति इसका लोकार्पण करेंगे, वहां पर लगभग इससे रोजगार भी आप देखिए करीब करीब 70,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, कई लाख लोग इससे इन्वॉल्व होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे इन्वॉल्व होंगे, और इसका जो फायदा होगा कई हजार करोड़ में भारत को इन्वेस्टमेंट के रूप में फायदा होने वाला, तो डेवलपमेंट के रूप में भी ये काफी बड़ा कदम होगा सैमसंग फैक्ट्री का नोएडा में आज जो लोकार्पण होने जा रहा है।
जी, और नोएडा का नाम इसके साथ ही पूरे विश्व में मशहूर होने वाला है, जैसा कि हम अपने दर्शकों को पहले भी बता रहे थे। और मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हिंदुस्तान में, ये दोनों बातें इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के की स्थापना और इसके उद्घाटन के साथ और भी ज्यादा पुख्ता हो जाएंगी। जाहिर तौर पर मेक इन इंडिया जब लॉन्च किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय ऑपोजिशन ने काफी इसकी चिल्ली भी उड़ाई थी, आज भी उसके मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन ये जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, पूरे देश को देखने को मिलेगा फैक्ट्री का, और जिसमें कि इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, रोजगार भी हो रहा है, डेवलपमेंट में भी काफी उसमें योगदान होगा। और सैमसंग एक दुनिया की जानी मानी कंपनी है और कोरियन कंपनी है, ये सबको पता है, और भारत में जब सबसे बड़ी फैक्ट्री का यहाँ पर आज लोकार्पण होगा तो जाहिर तौर पर एक दूसरी ही तस्वीर देखने को मिलेगी शाम को, और पूरे देश को और पूरे विश्व को कि भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ईज ऑफ डूइंग भी बिजनेस हो रहा है, डेवलपमेंट में भी काफी आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न भी मिलता है, चाहे वो प्रॉफिट के रूप में हो, चाहे उसके लिए एक कंसेप्ट के रूप में है, या उसका और भी जो आगे हो सकता है। जी रविंद्र, आपको रोकूंगी, अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ मेट्रो में सफर कर रहे थे तो लोगों का जो मेट्रो स्टेशन पर उत्साह है, आप वो देखिए किस तरीके से लोग वेव कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी सभी के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि मेट्रो में सफर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी इन तस्वीरों में नोएडा का रुख कर रहे हैं, नोएडा सेक्टर 81 में सैमसंग की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन होना है, और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को लेकर मेट्रो का ये सफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस सफर के दौरान हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मोदी की यही कोशिश की जो लोग, जो दिल्ली के आम नागरिक हैं, जो जनता है जो कम्यूट करती है मेट्रो से या सड़कों पर, उनकी उनके जाने की वजह से, प्रधानमंत्री के मूवमेंट की वजह से उन लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अगर प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो में बैठे होंगे और नजर पड़ेगी लोगों की उन पर, तो उत्साह होना लाजमी है, और उस उत्साह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब से कुछ ही देर के बाद नोएडा पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आगे का कार्यक्रम भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों को लेकर मेट्रो का सफर कर चुके हैं, और ये तस्वीरें देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी को मेट्रो में सफर करते लोगों ने देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लोगों ने वेव किया, हाथ हिलाया, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों के अभिवादन को स्वीकार किया। और अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के इस मूवमेंट के लिए सुरक्षा के इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन किसी भी मेट्रो स्टेशन पर लोगों की आवाजाही नहीं रोकी गई, और प्रधानमंत्री जिनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि उनके मूवमेंट की वजह से जो वीआईपी मूवमेंट की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है, वो कभी भी उनके मूवमेंट की वजह से लोगों को सामना ना करना पड़े, और उस बात का खास यहां पर ख्याल रखा गया है। लेकिन ये बेहद पावरफुल तस्वीर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और रविंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रविंद्र, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जैसे ही लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो में बैठे हैं तो जाहिर तौर पर लोग बहुत खुश थे, लोगों ने उन्हें वेव किया, और हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के अभिवादन को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ये बात कहते भी हैं कि जब लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मुझे इतनी गर्मजोशी से मेरा स्वागत करते हैं या मुझसे मिलते हैं, तो मैं उन लोगों को निराश नहीं कर सकता, और ये तस्वीरें वही बात कह भी रही हैं। देखिए, जाहिर तौर पर अभी आपसे कुछ दिन पहले ही जब होम मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर की बात आ रही थी कि उनकी सुरक्षा को लेकर इस तरह के इंतजाम किया जाए, तो ये सूत्रों जानकारी मिल रही थी कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ठीक है, आप अपने सुरक्षा के इंतजाम करिए, लेकिन हमें लोगों से दूर नहीं करिए, ये बात है। रविंद्र, आपको एक मिनट के लिए यहाँ रोकूंगी, हमारे साथ इस वक्त रवि त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, रवि के पास कुछ जानकारी है। रवि, क्या लेटेस्ट अपडेट है, प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में नोएडा पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी ये जानकारी मिली है कि रेसकोर्स जो मेट्रो स्टेशन है वहां से प्रधानमंत्री मोदी चले हैं,
और उससे भाया होते हुए जो रूट है आपको राजीव चौक होता हुआ जो रूट है उससे होते हुए नोएडा तक जाएंगे। नोएडा में बताया जा रहा है कि बोटेनिकल गार्डन जो मेट्रो स्टेशन है वहां तक जाएंगे और वहां से फिर आगे जो सैमसंग की जो फैक्ट्री है जहां जाना है वहां आज सफर करेंगे। अच्छी बात यह है कि आप देखिए आदित्य, इससे पहले जितने जो बाहर के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आते हैं और उनके साथ किसी बड़े कार्यक्रम में अगर दूर तक जाना है तो प्राइम मिनिस्टर रोड पर अवॉइड कर चूंकि ट्रैफिक जाम ना हो, परेशानी ना हो लोगों को, मेट्रो का सहारा लेते हैं, मेट्रो से जाते हैं और मेट्रो में उनके डायलॉग भी होते हैं लोगों से, तो कहीं ना कहीं एक लोगों से बातचीत भी होती है और इसका एक अच्छा मैसेज जाता है कि आप ट्रैफिक आपकी वजह से बाधित नहीं होता, क्योंकि लोग बहुत परेशान होते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है किसी इलाके में। तो जी रवि, और जैसा कि तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश यही रहती है कि उनके मूवमेंट से आम लोगों को कभी भी दिक्कत ना हो और मेट्रो का सफर करने से वो दिक्कत भी दूर हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि जब गुड़गांव आप फरीदाबाद मेट्रो का उद्घाटन करने गए थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने रेसकोर्स से सफर किया था और फरीदाबाद आखिरी स्टेशन तक गए थे और उसके बाद ये लगातार देखा जा रहा है कि तमाम मेट्रो का उद्घाटन करने के मौके की बात हो या फिर कोई भी बाहर के देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनके साथ उनको मेट्रो का सफर कराना हो, जानकारी देना है, किसी जगह पे जाना है, तो वैसी स्थिति में लगातार, ये पहली घटना नहीं है, आप देखेंगे लगातार तीसरी चौथी बार ये ऐसा हो रहा है और इसका मैसेज अच्छा जाता है क्योंकि देखिए दिल्ली में आप जब भी मूवमेंट होता है प्रधानमंत्री का पहले जो टाइम होता था लगभग 1 घंटे 45 मिनट पहले पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता था, उसमें जहां दिक्कत होती थी उसको कम करके 20 मिनट किया गया, उसको फिर कम करके और कम किया गया, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीजन से जो लोगों को परेशानी होती थी उसको कर्टेल करने का काम प्रधानमंत्री ने लगातार किया है और एक और माध्यम है मेट्रो के जरिए किसी लोकेशन पे जाना ताकि लोगों को परेशानी ना हो, अगर बाई रोड जाते हैं तो बहुत परेशानी होगी और बाई चौपर भी जाते हैं तो उस इलाके के आसपास की घेराबंदी कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक मैसेज देना है, प्रधानमंत्री के तौर पर तमाम मैसेज देते हैं, ये भी एक बड़ा मैसेज है कि ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए मेट्रो जो आम आदमी की सवारी है उससे हम सफर करके जाएंगे वहां तक। जी रवि, और हम तस्वीरों में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो से सफर कर चुके हैं अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, और इस वक्त ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन्स पर, प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ नोएडा पहुंचने वाले हैं और यहां पर सैमसंग की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वो उद्घाटन करेंगे। और रविंद्र के पास एक बार दोबारा हम जाएंगे। रविंद्र, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ पूरी टीम आई है वो भी मेट्रो के सफर का लुत्फ उठा रही है, सबके चेहरे सबकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान ने जो तरक्की की है पिछले कुछ सालों में उसे देखकर ये लोग भी बेहद खुश है। ज्यादातर पर अदिति, कुछ साल पहले तक भारत की एक तस्वीर कुछ और ही थी विश्व में, जहां पर भ्रष्टाचार की बातें होती थी, जहां पर लेट लतीफी की बात, जो बाबू गिरी जो करते थे लेट लतीफी उसकी बातें होती थी लेकिन ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं होती थी। अब जो पिछले चार साल में पूरे दुनिया में होती है तो ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, मेक इन इंडिया की बात होती है, डिजिटल इंडिया की बात होती है और ये तस्वीर दिखाई दे रहा है कोरियन डेलीगेशन को। और जाहिर तौर पर पहले भी आप एक बात और मैं बता दूं कि आपने जो पहले पूछा था कि सब लोगों को परेशानी ना हो, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने यह कहा था, होम मिनिस्ट्री के जो सर्कुलर आया था जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उन्होंने कहा था कि आप सुरक्षा के इंतजाम जो भी करिए लेकिन लोगों से हमें दूर मत करिए। और जाहिर तौर पर 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या दूसरे ओकेजन पर जब भी प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं कहीं ना कहीं सारे सुरक्षा इंतजाम को दत्ता बताते हुए लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं और अब जो आप मेट्रो में तस्वीर देख रही है कहीं ना कहीं लोगों से मिलते हुए प्रधानमंत्री और लोग भी खुश हैं कि जाए उन देश का बिल्कुल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहां पर देते हुए रविंद्र हम तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे मेट्रो हर स्टेशन पर रुक रही है, किसी भी तरीके से जो मेट्रो की सर्विस है उसको भी बाधित नहीं किया है सिर्फ इस वजह से कि देश का प्रधानमंत्री दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ इस मेट्रो में सवार है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हुए और वीआईपी कल्चर को जिसको हमेशा से खत्म करने की बात कहते रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, यही है उस कल्चर का अंत करना। देखिए विदेशों में ये देखने को अक्सर मिलता है, चाहे आपने देखा हो कनाडा के जो प्रधानमंत्री यंग प्रधानमंत्री हो सिनेमा अपने बच्चों के साथ देखने चले जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही क्रोशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो आकर रशिया में पुतिन के साथ बैठ के इकोनॉमिक क्लास के फ्लाइट से आई है, फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए मॉस्को गई थी, तो ये विदेशों में देखने को मिलता है लेकिन भारत में ऐसा पहले कम ही देखने को मिलता था। ये कल्चर बदला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वो दिखाता है कि मेट्रो में जा रहे हैं तो ऐसा कोई सुरक्षा इंतजाम न करिए जिससे लोगों को
परेशानी हो, हर स्टेशन पर रुकते हुए जा रहा, और सिर्फ एसपी जी ने उस बोगी में जहां प्रधानमंत्री और कोरियन राष्ट्रपति बैठे हैं वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए हुए, लेकिन लोगों को वहां पर मिलने से दूर नहीं किया जा रहा है। लोग वहां आ सकते हैं, अपनी तस्वीरें ले सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, ये इंतजाम है, लेकिन हाँ रोका नहीं जा रहा किसी को। जैसे अमूमन मेट्रो चलता है उसी तरह से मेट्रो हर स्टेशन पर रुकते हुए जाएगा, बोटेनिकल गार्डन तक जाएगा, आरसीआर में बैठे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, वहां से प्रधानमंत्री बैठे अपने डेलीगेशन के साथ, और जब वहां पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर जो जो लोग उस सफर में उनके साथ होंगे उनके लिए यादगार पल होगा कि प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने मेट्रो में सफर किया। बिल्कुल, और रविंद्र तस्वीरों में जैसा कि मुंबई में लोकल है वैसे ही दिल्ली एनसीआर में मेट्रो है, तो मेट्रो हिंदुस्तान के विकास का प्रतीक है। मेट्रो यहां पर आम लोगों के कम्यूटिंग का जो सबसे बड़ा जरिया है, और इसमें सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि वो आम लोगों से, आम लोगों के मुद्दों से, उनकी जिंदगी से कितने जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर देखिए कल से ही आपने देखा होगा कि जो रूट बनाया गया था, पहले ये बातें हो रही थी कि रोड से जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोरियन राष्ट्रपति, उसके हिसाब से चाहे दिल्ली पुलिस हो, एसपीजी हो, या फिर नोएडा पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, सारे सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। आपने देखा होगा फिल्म सिटी के पास भी काफी इस तरह की व्यवस्था की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने सारे सुरक्षा को एक तरफ रखा और मेट्रो से गए हैं, वो लोगों के साथ गए हैं कि बाकी, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा ये समय पीक आवर होने वाला है, प्रधानमंत्री के रूट के कारण से काफी परेशानियां हो सकती थी, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे एनसीआर में हो सकती थी, खासकर आप फरीदाबाद और नोएडा और गाजियाबाद के जो कम्यूटर्स है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने ये स्टेप उठाया मेट्रो से जाने का। और बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी, मैं बता दूं बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी कि प्रधानमंत्री मेट्रो से सफर करेंगे। हालांकि जब भी प्रधानमंत्री का रूट होता है, कि रूट होता है, तो दो तीन जगह से कहीं ना कहीं उसका इंतजाम किया जाता है कि स्केप रूट होता है और एक मेन रूट होता है और एक और कहीं ना कहीं वैकल्पिक रूट होता है, लेकिन इस बार सारे रूटों को उन्होंने अलग किया और मेट्रो से सफर करने का फैसला लिया, सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशानी न हो, और जो हमारी विकास की तस्वीर है वो कोरियन राष्ट्रपति अपनी आंखों से देखे, कोरियन डेलीगेशन है वो अपनी आंखों से देखे, और यही प्रधानमंत्री का मैसेज है इस मेट्रो सफर के।